अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस। वी आर इन इनक्रेडिबल गुजरात अहमदाबाद। वी आर एट वरकवाला गोट फार्म, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह क्वालिटी ब्रीडिंग सेटअप आज आपको मिलाएंगे फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, मोइन भाई वरकवाला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम भाई कैसे हैं आप? बस आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिल खुश होता है आपसे मिलके, बातें करके माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक अपडेट वीडियो है बेसिकली, लोगों को दिखाएंगे कि मोइन भाई के यहाँ क्या क्या क्वालिटी दिख रही है आज और क्या क्या अपडेटेशन हुआ है। ये सब बातें इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह अंदर चलते हैं और एक एक करके सेक्शन दिखाएंगे आज। ठीक है, कुछ यूनिक होने वाला है आज। यूनिक में ये दिखाएंगे, पहले ब्रीडर्स को ले लो। पहले ब्रीडर्स। पहले बॉल पे सिक्स मारने की आदत जाएगी नहीं आपकी? नहीं नहीं, 20-20 ज्यादा खेलते हैं। बहुत मजा आने वाला है। मतलब ऐसे नायाब ब्रीडर आपने जमा भी तो बहुत मेहनत से किए हैं भाई, है ना? आप लोगों की दुआ से हो गए। सही, और हमेशा अपग्रेड ही होते गए आपके ब्रीडर्स। मार्केट साथ करना पड़ता है हसीम भाई को, मार्केट दिन पे दिन न्यू टर्न मांग रहे हो। तो पहले बकरे देखेंगे, बकरी हाँ। फिर रिजल्ट इंशाल्लाह। तो लोगों को एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 6-7 महीने का जो मेरी मेहनत का रिजल्ट है इस बार का, जो मैंने रखा हुआ था संभाल के। अच्छा, आप कुछ बेचोगे कि नहीं पहले ये बताओ? कुछ नहीं बेचूंगा इसमें। ऐसा मत करो, लोग नाराज होते हैं मेरे से। साहब मैं इसी वजह से 8 महीने से मार्केट से दूर, क्योंकि मेरे को अपने फार्म को कुछ नया ग्रोथ देना था। तो अभी लोगों को अगर आपसे जुड़ना है, कुछ आगे खरीदी करनी है, कैसे जुड़ सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे, कुछ कर देंगे। चलेगा, आइए। आपने पहले मेरे हथियार रखवा दिए। नहीं भाई, क्या मजा आ गया। वरकवाला गोट फार्म, ये पोस्टर्स मेरे को बहुत पसंद है भाई। ये आप लोगों की दुआ से अपने भाई ने बना हुआ, डिजाइन किया बच्चों ने किया, दोनों बेटे माशाल्लाह। सब बकरों के नाम भी लिखे हैं, जुबैर, सुल्तान, नूर। इस बार न्यू एंट्री भी देंगे, एक नए चौथे की भी। वीडियो देखते रहिए, और लास्ट में नहीं देंगे, बीच में देंगे। नहीं, उसको लास्ट में निकालेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा बीच में, थोड़ा पहले। आपको जैसा अच्छा लगे सीधा वीडियो लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, निकाल देंगे उसको भी बाहर आज। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई के साथ में हम लोग सुल्तान पूरा सेक्शन देखेंगे आज। ये अपने पांचों ब्रीडर यहीं पर ही है। आपके पांचों ब्रीडर दिखाते हैं हम लोग। ये सुल्तान, ये सवाल तो मैंने पर्सनली भी पूछ लिया, पांचों छह ब्रीडर एक साथ कैसे हैं बिना एनी रोप? नहीं ना, एक सब ब्रीडर साथ ही खाएंगे, ना कोई लड़ेगा इस वजह से, ना किसी को मारा मारी करेगा। आपके सामने सब पड़े हो लाइव है। लाइक कुछ इनका ट्यूशन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास, बचपन से इनको ट्रीटमेंट इसी दिए, साथ में रखा, रखा दिन खुले ही रहते और घूमते फिरते रखा दिन। तो ये एक तरीका है काम करने का। और सभी अकेला नहीं खाएंगे फिर, ये आप अकेला इनको खिलाओ, एक नहीं खाएगा। बिल्कुल खस्सी जैसा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इनको आपका। मैं रखता घर में हूँ, घर में, मैं फार्म पर रखता नहीं, थोड़ी ट्रेनिंग खस्ती जैसी देनी पड़ती है इनको। पहला बकरा चेक करें अपना, ओल्ड इज गोल्ड। सही है, जिससे मैं आसिम भाई को जानता हुआ। वाह, बहुत नायाब, मतलब अभी भी आप बोल नहीं सकते हैं। ये 8 साल का पूरा हो गया सब, लेकिन क्वालिटी तो अपने अंदर ही नंबर वन है भाई। आप लोगों की दुआ से खड़ा है। सही, तो बहुत सारी नस्लें भी आई हैं इसकी। बहुत अच्छा भाई ये, अलहमदिल्ला आप लोगों की दुआ से पूरे गुजरात में घूमती है नस्लें। क्या बात है, वाइट आइस के अंदर पूरा। ये आपके यहाँ पैदा हुआ था? नहीं साहब, ये मेरे दोस्त के अशरफ भाई है, मेरे दोस्त है, उनसे मैंने खरीदा था। पर कम से कम 6 साल से तो मेरे पास ही है, और 2 साल का जब मैंने लिया था। जब आपने लिए थे, ये टोटल 8 साल का हो गया ये। लेकिन आपने आगे सेल नहीं किया इसको? करना भी नहीं इंशाल्लाह, इसको तो घर में सुबह करेंगे आगे जाके भी। क्या बात है, और अभी ये है जब तक फार्म का नाम चलता रहता है। अभी भी ब्रीड ले रहे आप? अभी बीच के बच्चे आए हुए, बता दो मैं आपको। क्या बात है, इसके बच्चों का लोगों को बहुत क्रेज रहता था, मेरे को इसको चालू रखना ही पड़ता है। कलर का बहुत अहम हमारे गुजरात के अंदर तो रहना ही है आसिम भाई का। गुजरात के अंदर आप मार्केट में रहना है तो आप वाइट में काम करोगे तो ही रह पाओगे, कलर नहीं चलेगा गुजरात में। सही है। क्या अभी हम लोगों ने वही ट्रेंड नया बताऊंगा, हैदराबाद आपने पूरी कलर में देखी होगी, लेकिन हम गुजरात वाले अभी मेहनत कर रहे हैं कलर काट के हैदराबाद को पूरी 90% वाइट में लाने के लिए। पूरी वाइट में नहीं, हमको 10% उसको रखना पड़ता है। लोग इसको हाई पे समझते हैं, इसलिए हमको 10% उसको देना पड़ता है कि हैदराबाद में से है। हैदराबाद में लोगों को भी यकीन नहीं होता, और सब फार्म के ऊपर तो ऐसा होता नहीं है कि ब्रीडर भी खड़ा है, उसकी माँ भी खड़ी है तो बता सकते हैं। क्या क्वालिटी है चेक करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा बेटा अपना ब्रीडर नूर है, एक नूर को देखते हैं दोस्तों। अभी आइए, इनका वेट मैनेजमेंट भी करना पड़ता होगा आपको। वेट मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है, और वेट रहेगा तो बचपन बुढ़ापे में भी जवान दिखेगा आपको। ये इच्छा नहीं है कि अंडों को स्लिम ही रखो। सही, ये मेरा भी ये होगा 105 kg के पार होगा, ये 105 kg के पार है नूर। सुल्तान 135 तक गया हुआ है। हाँ, फिर आपने उसको उतारना पड़ा, कोटा में बकरे बैठ जाती थी। इसके कान की साइज क्या है? ये 22.5-23 के आसपास है। 2 साल हो गए मैंने मापा नहीं, जब से लिया जब 22.5 पर था, मतलब 23 के कान पे है वो।
पूरा गुलाबीपन देखें आप, क्वालिटी देखें जबरदस्त। और मेरी लाइफ का पहला अंडू है जो बच्चों से भी डरता है, छोटे बच्चों से, बच्चों से भी डरेगा ये। पहले से था कि आप यहाँ पर आके आए बात हुआ, ये आए बात पूरी ट्रेनिंग हो गई इसकी, जब बहुत शानदार। और तीसरा अपना ब्रीडर अब जुबेर, ये सबके रिजल्ट्स दिखाएंगे आपको अभी, आइए मैं रिजल्ट भी दिखा दूंगा आपको सबके। जुबेर में बहुत चेंजेस आए हैं, पूरा चेंज हो गया बकरा जो आपने लास्ट टाइम उतारा था। जुबेर बहुत यंग था, मैंने पहले भी बोला था हैदराबादी बकरे 8 दांत पर जाकर पूरे जवान होते, जबकि लोग उसको बुड्ढा समझते। पहला शूट के जब वो 2 दांत पे, 2 दांत पर भी नहीं था, अदंत लिया था, 10 महीने का बच्चा लिया था, भारी बांधे थे, मेरे को याद है हमने भाई उसको देखा था। अब देख लीजिए पूरा 8 दांत, तभी फ्रेश 8 दांत इतने कंप्लीट किए हुए, पूरा चेहरा वगैरह देखो आप कि अब मेरे को पेटी वेटी बार आने लगी है। अब मैं जो नया बच्चा बताऊं जो अभी 2 दांत पर है, मैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, उसकी भी इसी तरह करूंगा ग्रोथ धीरे धीरे 8 दांत पर। हैदराबादी बच्चे हो या बकरे हो, ओरिजिनलिटी 8 दांत पे ही बताते, क्या बात है। 12 महीने तक तो इसका पंच भी नहीं था, अभी आप देखें पंच, चेहरा, रिंकल्स, हर चीज देखने मिल रही है। इसके बच्चे इससे अच्छे आते फिर, ये वो ब्लड लाइन से आता है, क्या बात है। इसकी जो ब्लड लाइन है ना वो इतनी टेरिफिक ब्लड लाइन है कि इसके बच्चे इससे भी हैवी ग्रोथ में आते, इससे भी अच्छे ग्रोथ में आते सब, माशाल्लाह। और अभी इस बार पूरा राउंड इसी का चला हुआ है, नूर और सुल्तान ने थोड़ा आराम किया था, जो बच्चे दिखाएंगे इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ इसके ही बताऊंगा मैं आपको, जुबेर के बच्चे, नूर के बताऊंगा, सुल्तान के बताऊंगा, लेकिन 6 बच्चे जुबेर के होंगे तो एक एक बच्चा नूर का होगा, चलेगा। चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक और बकरा भी अपने पास, ये 4 दांत पे अब हो रहा है, सही है, 41 की हाइट पे। तो इसमें से आप कुछ भी सेल नहीं करोगे? एक कर ये कर दूंगा, एक ये करूंगा। वाह, 4 दांत पे, 4 दांत पे और 40 की हाइट के आसपास है ये। पंच चेहरा बहुत है इसमें, पूरा गुलाबीपन है, मार्बल सींग है, पूरा व्हाइट खुर पे है वो, देख लीजिए एक भी खुर की वो नहीं होगी, खुर भी व्हाइट है और पूरा गुलाबीपन है, पूरा गुलाबी है और पंच तो एक्सट्रीम है इसके अंदर। अभी मैं बताऊं आपको, देखिए जुबेर लिया था ना तो इतना भी पंच नहीं था जुबेर का, 4 दांत पर नहीं था, और इंशाल्लाह ये 8 दांत के ऊपर इससे ज्यादा पंच करेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये मेरे यहाँ का बच्चा नहीं है, खरीदा हुआ बच्चा है। ओके, इसका रिजल्ट लिया आपने? मैं 6 दांत पहले बच्चा चालू करता नहीं हूँ। सही है, तो मतलब रिजल्ट आपने देखा इसका आगे कि अभी तक यूज ही नहीं, अभी तक चालू ही नहीं किया हमने इसको। ओके, अभी सिर्फ ये 6 दांत के बाद ही ये चालू होगा। हाँ, मैं हमेशा जुबेर को भी 6 दांत भी चालू किया था ना, आपको मैंने बोला था मैं भी यूज नहीं करूंगा। हाँ, 2023 की तैयारी कर रहे हो, ला के रखा हुआ था, लेकिन 2023 में जुलाई महीने से मैंने इसको स्टार्ट किया है, क्या बात है। और इसको अभी स्टार्ट किया भी नहीं है मैंने। सही है, तो अभी आगे जाके अगर पर किसी को खरीदना है तो इंशाल्लाह दे देंगे। आइए, एक और बच्चा भी है मेरे पास, आ जाओ। देखिए बड़े बड़े ब्रीडर साथ में रह के खा पी के, माशाल्लाह क्वालिटी। एक ये बच्चा भी है, 2 बच्चे भी है, ये होम ब्रीड का है, दोनों होम ब्रीड है, ये दोनों होम ब्रीड है। किसके बच्चे हैं? ये है सुल्तान का और ये है नूर का। नूर का कान देखो भाई, हाँ, ये 7-8 महीने का बच्चा होगा ये, और 16.5 कान पे, 16.5 कान, पूरा गुलाबी है, पूरा गुलाबी है, मार्बल सिंग और व्हाइट खुर में है ये भी पूरा, और ये सुल्तान का बच्चा है। अगर कोई हाईपेड बोलेगा तो इसकी माँ ने बाप दोनों अपने पास है, इंशाल्लाह डीएनए भी करवा देंगे, पूरा व्हाइट कलर। हाँ, तो ये चेंजेस आए हैं ना लाइन, ये गुजरात की मेहनत है, हैदराबाद के अंदर जो चेंजेस करने की जो थी हमारी, जो हम कर रहे थे 2 साल से जी, जो पूरा पिंक टोन पे बकरा निकालने और इसके अलावा हमको कलर कम करना था हैदराबाद के अंदर, वो देखने मिल गया अभी। अभी मैं आपको इसकी माँ भी बता दूंगा अक्षय की, तो इसका बाप तो पीछे खड़ा ये नूर, बाप तो देख लिए लोगों ने, क्या ये सुल्तान का बेटा है, सुल्तान का बेटा है, देखो आप लोग गला पट्टी वगैरह देखो अभी से, ये भी 10 से 11 महीने का बच्चा है। सही है, तो आगे चल के ऐसा ब्रीडर लोग यूज कर सकते हैं, देंगे आप ये दोनों? नहीं देंगे, ये दे दूंगा, दे बच्चे बड़े नहीं दूंगा, 1, 2, 3, ये 3 तो नहीं दूंगा, बस वो जो एक बकरा दिखाया आपने 40 हाइट का, 41 वो इंशाल्लाह दे दूंगा किसी का, तो सही है, एक ये दे दूंगा, वो बच्चा दे दूंगा, वो दे देंगे। हाँ चलेगा, ये ब्रीडर सेक्शन अपना इधर खत्म होता है, अभी क्या दिखाएंगे? अब मैं आपको अपनी जो थोड़ी बकरियां जो थी पहले की अपनी वो देख लो आप, वो एक ओवरव्यू दे देंगे, ओवरव्यू दे दो, फिर मैं आपको सब नया जनरेशन इनका जो है जो आज तक बताया नहीं था किसी को मैंने जी, अब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, क्या बात है, मजा आएगा। आइए चलते हैं, ये सारी बकरियां हैं, सब मेरी बकरियां है ये फिलहाल, और ये सब मैंने आपको आगे की वीडियो में बताई हुई है, जो नो सेल वाली बकरी थी ना अपनी सब वो है, इसमें इंशाल्लाह 4-6 बकरी मर गई जी, क्या बेची कोई बकरी नहीं इनसे, तो अभी बेचना है कुछ इसमें नहीं, इसमें कोई बकरी तो अपने बेचनी ही नहीं है, फीमेल तो अपन देते ही नहीं है, फीमेल आप देते ही नहीं, देते ही नहीं, मेरे को मुश्किल से ब्लड लाइन की मिलती है,
मतलब बहुत ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती है। अभी मेरे को चाहिए मिल नहीं रही जो चाहिए वो। आइए एक वॉक लेते हैं, देखिए आप सब बकरियां, सबसे आपने बच्चे हो चुके हैं ना? सब सब सब, ये हंसा है मेरे पास, ये हंसा से भी आपने रिजल्ट ले चुके हैं। छह वेतर ले चुका हूँ, सातवें वेतर में जाएगी मेरे पास ये। और बच्चे हैदराबादी पे आ रहे पूरे पूरे का पूरे पंच में हैदराबादी पे डाल रही है वो। क्या बात है, इसकी पट बता दूंगा अभी भी अंदर पड़ी मेरे पास। और ये बकरी होम ब्रीड है? ये भी हो नहीं, ये मैंने साकिना का सफीक खान के पास बच्ची मंगाई थी, छोटी सी से लिया था, ये 2.5 साल थी मेरे पास ही है। और इससे भी अब बहुत बच्चे आ गए, बच्चे 2 बार आए इससे और दोनों बच्चे सेल करने पड़े, दोनों बच्चे अच्छे थे। सही है, ये पीछे खड़ी है बकरी बहुत ज्यादा माशाल्लाह क्वालिटी में है। ये तोता पारी हैदराबादी क्रॉस है, देखो क्या बनावट आई है, एकदम जंबो साइज में बिल्कुल। मैडम आराम करते हुए, ये सुल्तान की बेटी है और सुल्तान की माँ के पेट से आई हुई है। अच्छा, ये भी हैदराबादी बकरी अपनी टॉप क्वालिटी की, बच्चे डालने में ये भी, मतलब ये बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना कि कौन सी बकरी किससे यूज करनी है। आपने रॉयल मुखी फार्म के ऊपर जो सरताज की वीडियो बनाई थी, हाँ, ये सरताज की माँ है, सरताज की मदर है। ये भी एक बहुत जंबो साइज है भाई, माशाल्लाह इसके बच्चे माशाल्लाह फुल क्वालिटी में आते हैं। ये अपने बेंगलोर वाले फैयाज भाई जो है ना, हाँ, उनसे ली थी मैंने ये। क्या बात, तो ये आपकी कुछ ओल्ड बकरियां हो गई, ओल्ड इज गोल्ड रहने वाली है। हाँ, ये रखेंगे इंशाल्लाह। आपको एक और हैदराबादी बकरी लाओ, आपने अहमदाबाद के अंदर बहुत एक बच्चे की वीडियो बनाई थी, ये पटेल गोट फार्म के ऊपर समंदर, हाँ, समंदर, ये समंदर की माँ है, समंदर की मदर है, वाह। और सुल्तान का बेटा था वो समंदर, हाँ सुल्तान का बेटा था, हाँ, समंदर सुल्तान का बेटा है, फुल पंच में वो, हाँ माशाल्लाह। अहमदाबाद के अंदर सबसे अच्छे में अच्छा बच्चा जो जा रहा है वो एक उनमें से एक सुल्तान का बेटा वो भी है। देखो क्या डॉच करती है भाई, इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये देखो बहुत प्योर क्वालिटी के अंदर। अब इसकी इस बार की पट भी बताऊंगा मैं आपकी, वो जुबेर से इस बार जो भी है, दो बच्चे डाले थे, एक हाँ। बच्चा मर गया इसका, लेकिन अभी इसकी पट पड़ी हुई है मेरे पास, वो जुबेर से, वो जुबेर से है, जुबेर की बेटी है, इस बार जुबेर की बेटी है ना, इस बार लगा है नूर, नूर अलग अलग, आप एक ट्रायल हो जाता है ना अलग, नहीं अलग। वैसे सुल्तान तो फिक्स है, हाँ। जो अपने को चाहता था सुल्तान से मिल चुका है, मिल चुका है रिजल्ट से बकरी, क्योंकि बकरी को भी एक फेम मिलनी चाहिए ना। सही है, तो इस वजह से हमको बकरा चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ समंदर की माँ, समंदर पड़ा मेरे भाई के फार्म पे, हाँ यूसुफ भाई के, लेकिन माँ इधर है। सही है, हमारे पप्पू भाई है धंदासन वाले, हाँ उनके पास भी समंदर का बेटा पड़ा हुआ है। सही है, मतलब एक दूसरे के यूनिक जो चालू रहती है, इसलिए बोलते बकरी इसलिए नहीं बेचते, हमको बकरी जो हमको चाहती है हर बकरे पे सेट हो जाती है। क्या बात, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको हर बकरे के ऊपर रिजल्ट ऐसा देती है ना, कभी बेचने की जगह रहती नहीं है। सही है, चलेगा। तो ये मेरी बकरी, ये भी बहुत बकरी है, लेकिन इससे बच्चे लेने के मेरे को अरमान है। बच्चे आए नहीं अभी तक, आएंगे इंशाल्लाह, दुआ करो आप, ये वीडियो में दिखा ही रहे हो उसके लिए, इसका पंच एक बार देख लो आप लोग, अल्लाह से दुआ करो बकरी एक बार भी आ जाए। मेरा तरवा गई थी बकरी, मैंगलोर से मंगाई थी मैंने, हाँ। बहुत बीमार हो गई थी, मरते मरते बची हुई है वो, मैं शायद मेरे को ध्यान है ये वहाँ बनी थी, हाँ है ना, बहुत दुबली थी, बिल्कुल दुबली थी, मेरे को एकदम ध्यान आ गया है बकरी का, कितना एक्सट्रीम पंच है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करो अल्लाह से एक बार ये भी आ जाए। तो अभी ये गाबन है नहीं? अभी गाबन है, रुकनी चाहिए। सही है, एक ये भी मेरी बहुत पुरानी बकरी है, हैदराबाद का जो मैंने शौक चालू किया था ना, इससे सेकंड नंबर है वो, एक वाली मर गई जो पहले से, क्योंकि तो दूसरे नंबर की ये है माशाल्लाह। और इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह रणोल सुरेंद्र नगर, उसका ब्रीडर बच्चा वहाँ पर घूम रहा है। क्या बात, सिकंदर मकरानी के यहाँ पर आपने वीडियो उतारी थी उसकी भी, हाँ निकाला था, इसी का बेटा था वो। क्या बात, तो आपने सब बकरी अभी तक संभाली हुई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जूनी बकरी मेरी कोई सेल नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल से कोई आती निकल गई दोस्ती के अंदर, वो बात सही है। देखिए बकरी देखिए, कितने कान होंगे इसके? 19 कान इसके। क्या बात है, और फुल साइज की बकरी है ना, अभी ब्याह हुई है और सुल्तान की बेटी भी नाकी हुई है अंदर। 19 के कान है, 19 के कान और फुल पंच में, जबरदस्त क्वालिटी। चलिए तोतापुरी बता दे, तोतापुरी कुछ दिखा देते, फिर वो लगेगा तोतापुरी। तोतापुरी से भी हैदराबादी में रिजल्ट आपको तो नंबर वन ही नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता इतना हमको, इतना नहीं है तोतापुरी के अंदर हमको, हैदराबादी में सेटिस्फेक्शन नहीं है हमको, तोतापारी के अंदर पति रे सेटिस्फेक्शन जो मिला वो। अच्छा, क्योंकि उसमें क्या आसिम भाई जो है तोतापारी है उसके ब्लड में भी कलर है, हाँ, और हैदराबाद के ब्लड में भी कलर है, तो बहुत अलग कलर आ जाता और है। और तोतापारी में दूसरा मेन माइनस पॉइंट क्या पता है,
तोतापारी में 100 फीमेल में से 5 ही फीमेल पूरी गुलाबी मिलती है हमको। हाँ। उसके होंठ पे ब्लैकनेस तो आ ही जाती है। हम जितना भी व्हाइट बच्चा निकाल ले जाना, अभी मैं आपको इसका डेमो दूंगा, हम जितना भी अच्छा बच्चा निकाल ले जाना, लेकिन होंठ के ऊपर अपनी ओरिजिनलिटी कलर ले आती है वो। सही, देखिए यहाँ पर दो बकरी आ गई है, अभी देख लीजिए फुल पंच में 15.5 कान पर तोतापारी है मेरे पास। ये आपके यहाँ से निकला हुआ बच्चा था? कौन सा? वो पीछे जा रही है पत। नहीं, वो घर की नहीं, मैं ली हुई है। ये बहुत जूनी नस्लों में से बकरी है। इसका बच्चा भी मर गया मेरे यहाँ पर, लेकिन आला ग्रैंड बच्चा डाला था उसने, और बच्चा डालने में एक नंबर बकरी है मेरी वो। ये भी एक आई, ये भी क्वालिटी बकरी है पूरी। मैं आपको इसकी पट बता दूंगा, इस बार भी आई अंदर ही पड़ी हुई है मेरे पास। सही है, इसकी भी बताऊंगा, उसका बच्चा मर गया। ये अपनी सब फीमेल यहाँ पर ही है, मजा आ गया। सब दुख में देख लीजिए, सब पुरानी बकरी है, सब क्वालिटी और एक से एक बच्चे दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जितनी बकरियां फिरती है ना बाहर के, मोस्ट ऑफ ब्रीडर्स कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको जी। ये वाली बकरी, ये सरताज की माँ है। सरताज की माँ आपने बताए थे? हाँ, वाइट आईज में। ये डायना की माँ है। डायना की माँ, जो डायना ने भी कितने कान हो गए। हाँ, अभी रनोल में पड़ी हुई है, वो भी 16-17 कान पर है वो, और पूरी वाइट है, लेकिन वो पूरी वाइट है। हाँ, नबी भी आने वाले 2-3 दिन में, अल्लाह से दुआ करो डायना दूसरी आए। सही है, इंशाल्लाह। ये अपना फीमेल सेक्शन इतना है, चलेगा। चलिए अब क्या देखेंगे, अब मैं आपको जो अपना रिजल्ट 8 महीने से मोइन भाई जो मार्केट के बाहर थे, आराम कर रहे थे जिस और मोइन भाई अभी जो आपकी न्यू एंट्री तो दिखानी बाकी है मोइन भाई। अभी दोस्तों चलते हैं न्यू सेक्शन में। सो अभी बच्चों के सेक्शन में आ गए हम लोग। प्लीज पूरा वीडियो देखें, बहुत उम्दा रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा। लाइट चालू कर, इधर आ जाओ। देखिए ये सब 2-3 बकरी को छोड़कर सब बकरे आपकी होम ब्रीड है सब। ये तो ये वहाँ से यहाँ तक का एक ट्रांजेक्शन हुआ है, है ना? वहाँ से ये नस्लें निकली हैं, सब निकली हुई नस्लें, सब ब्रीडर्स, और वो बकरियों से ये बच्चे निकले। हाँ। और इनके भी कई बच्चे तो आप दिए होंगे लोगों को। इसमें से कोई भी बकरी है, की बकरी जो एक बार भी आई हुई है ये बकरी, और एक ये बकरी भी आई हुई है, बाकी अब सब ढाबन है अभी छोटी छोटी। अच्छा, 2-3 बकरियाँ खाली है, बाकी एक दो गाभन है, जैसे कि ये गाभन है पूरी। हाँ, ये गाभन है, ये देखिए नूर की बेटी है। नूर की बेटी, हाँ, कान देखो आप, छोटा सा चेहरा, बहुत शानदार। ये नूर की बेटी है, क्वालिटी देखो, अगेन चेहरा देखें आप, यूँ बताओ आगे उसको आगे। ये जो हमने काम किया है ना, हाँ, पूरा गुलाबी पन। माशाल्लाह, ये जुबैर की बेटी है, देखिए ये देखिए जुबैर की बेटी, पंच कान का क्वालिटी देखें आप। ये गाबन है ना? अभी ये भी गाबन है अभी। देखिए ये सुल्तान की बेटी है, खोलो इसको, हमने तोतारी वहाँ पे तोतापारी में ही आई हुई है, कलर वाली बकरी में से पूरी। ये सुल्तान की बेटी है? हाँ, तो तोतापारी में थी आई है, और इसकी मदर तोतापारी है। अब देख लिए कलर, गुलाबी पन है और कलर पूरा ख़त्म, हैदराबादी, मतलब बिल्कुल वाइट कलर में हो जाएगा। और सुल्तान की ब्लड लाइन में ये फर्क है, और सुल्तान का जो बेटा है ना, हाँ, वो उससे अच्छा रिजल्ट देता है जी तोतापारी पर। क्या बात है, तो ये तोतापारी है पूरी अपने पास, खुले कान की वाइट आइस में, ये तोतापारी में पैदा हुई है। ये मैंने ली हुई है अपने दोस्त के पास से। क्या पंच है, पंच देखिए, और आइस भी वाइट है उसकी, वाइट आंख में, नाक एकदम रोमन नोज। छोड़ दो मुंडी बता दो, ये भी घर की पट है, जो मेरा बकरा बादशाह था ना जी, उसकी बेटी है ये, पूरी गुलाबी माशाल्लाह। ये सब नया कलेक्शन है मेरा पूरा होम ब्रीड का, होम टोटल न्यू कलेक्शन। कितने कान होंगे इसके? इसके मापने के नहीं, बेचनी नहीं है, मापने के ही नहीं, 17 पास है अभी वो, अभी से 17 पास, 17 पास है वो भी, 17 के आसपास है ये, 17-18-17 पर ये है पूरी गुलाबी के अंदर आपको। अभी ये भी आई हुई है, लेकिन बच्चा थोड़ा सीरियस हो गया इसका भी। अच्छा, कल ही भी आई है, फुल मार्बल सिंग में, पूरी मार्बल, दोनों सिंग मार्बल है। अपनो हंसा बता रहे थे मेरे को, देखिए हंसा, हंसा की बेटी है, हंसा की बेटी है और नूर की बेटी है साथ में, बहुत उम्दा है माशाल्लाह। और बोड़ी है, माँ भी सिंग वाली, बाप भी सिंग वाला, और ये मुंडी है, और ये मुंडी है, पूरा गुलाबी पन और वाइट आइज में वो।
शानदार। बराबर, ये सब पट्टे अभी जो नई आई है, दो दो महीने की सब पट्टे, अंदर से क्या करके बाहर निकाल के बताओ तो अंदर पिंजरे। ये देना है? नहीं नहीं साहब, इसमें से एक भी नहीं देनी है। एक बार दिखाते हैं। हाँ, मैं सबको एक एक करके बाहर निकाल देता हूँ, आपको सब बता दूंगा। ये सब कब गुजरात इसी क्वालिटी में काम करेगा? पूरी पार्ट एक साथ ही होती है, सब पार्ट एक साथ ही रहेगी, एक साथ ही। ये पिंजरे पार्टों का है, और जो इसमें नर बच्चे होते हो, नर बच्चे अलग कर देते हैं, वो अलग बता रहे। देखिए बच्चा दूर का बेटा बैठा हुआ, बारी है बैठा हुआ। अब्दुल यादव, ये 4.5 महीने का बच्चा है, प्योर हैदराबाद है, पूरे व्हाइट कलर में, पूरा ये रिया नूर का बेटा है, व्हाइट आईज, मार्बल सिंह, पूरा व्हाइट। झालर पट्टी देख लो इस बार, तो थोड़ा कलर आया ना, हैदराबाद कहते ना, फिर आप हाईपेड बोलोगे मेरे को। सही है, थोड़ा कलर चाहिए भाई, 5% तो देना ही हमको। ऐसा लग रहा है सुरमा लगा है इसने, माशाल्लाह। पर इसकी माँ और बाप दोनों अपने पास बारी है, बहुत उम्दा। अब ये पट्टे घर की जो मैं आपको बता दिया था, अच्छा ये सेल करना हो किसी को चाहिए दे देंगे। क्या बात है, तो जिसको चाहिए फिर आप यूं मैं बोलो, मोहिन भाई नाम बोल रहे नहीं देना, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। चलिए पार्ट देखते एक एक कर बेटा। ये सी साहब, ये जुबेर का रिजल्ट, ये भी तोतापारी में से आई हुई है। जुबेर का रिजल्ट देखे आप तोतापुरी पर, कि नोज देख लो पूरी रोमन, पूरी राउंड रोमन, पूरी गुलाबी, नर मॉडल एकदम जबरदस्त, पैच भी बहुत आला और सुंदर पैच आया इसको। हाँ दूसरी लाओ, कलर कॉम, अगर कलर आया भी तो बहुत उम्दा कलर आया, ये बात भी देखने वाली होती है। समंदर की माँ की है, देखिए साहब ये रही प्योर हैदराबाद पट्टी है, जुबेर की बेटी है, और जो समंदर की जहाँ माँ बताई थी ना मैंने आपको बात, उसी की बेटी है ये, व्हाइट आइज के अंदर, व्हाइट आइज में फुल गुलाबी में पूरी पिंक स्किन में, वरक वाला गोटफान पे आपको ऐसी क्वालिटी देखने मिलेगी माशाल्लाह। तीसरी लाओ, 95% मैं बोलूंगा व्हाइट कलर, व्हाइट भी होंगे और हैदराबाद भी इंशाल्लाह व्हाइट भी निकालेंगे। ये तो शायद पूरी ही व्हाइट है, ये आईपैड है, आईपैड, आईपैड है ये, मैंने आपको मेरी पट बताई ना, हाँ ये पट जो व्हाइट वाली बड़ी बताई थी जी, इसकी बेटी है और जुबेर की बेटी है ये, कान तो बिल्कुल बड़े बड़े आ गए इसके, जुबेर की बेटी है साहब, और पंच भी पूरा करेगी वो, बहुत शानदार। जुबेर का रिजल्ट देखिए आपने हाइट पैड पे, कान में भी सेकंड, तोतापारी नूर की रिजल्ट है, तोतापारी पे, तोतापुरी पे नूर का रिजल्ट देखो आप, क्या कलर पैच आया माशाल्लाह, और पूरी पिंक में वो, पूरी गुलाबी। अच्छा इसके सिंग भी इंशाल्लाह मार्बल ही आएंगे इंशाल्लाह, और खुर भी व्हाइट है, खुर भी व्हाइट है, सिंग भी व्हाइट आएगी इंशाल्लाह। कौन है ये? देखिए सर, एक ये पट भी जुबेर की है लेकिन सोजत में से आई है। अच्छा, सोजत बकरी, और सोजत बकरी माँ की सिर्फ 7 इंच कान थे और माँ कलर वाली थी, इसके अभी उतने उससे ज्यादा हो गए, व्हाइट आइज के अंदर, और अगेन पूरी व्हाइट कलर के अंदर, चेहरा भी देखें आप जबरदस्त। ये मैं बोलता हूँ बच्ची अब बड़ी होगी ना और ज्यादा चेहरा बनाएगी, और चेहरा और कान भी बढ़ेंगे, और बकरी 8-10 महीने के बाद ही चेहरा बनाना ओरिजिनल चालू करती है। सही है, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी फीमेल्स की क्वालिटी देखें आप, ये सब फीमेल का, ये किसकी है देखिए, जैसे कि हाई पेड में प्योर पतीरी जो अभी ट्रेंड के बाहर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास है प्योर पतीरी है, ये प्योर पतीरी, हाँ देख लीजिए, सिंपल आईज है, व्हाइट आईज नहीं है एकदम, चेहरा भी देखो आप बहुत शानदार, जान दो। ये किसकी है? ये भी हाईपेड मेरे पठान का रिजल्ट है साहब, ये सिर्फ पैर पे कलर आया है एकदम, हाईपेड में हैदराबाद आई हुई है और पठान का रिजल्ट है ये, पठान का रिजल्ट, पठान को अभी तक देखे नहीं ना, बता दूंगा लोगों को, याद दिला रहा हूँ मैं पठान का रिजल्ट देखे आप, पठान को तो नहीं देखा आपने अभी तक, पर पठान का रिजल्ट दिखा देंगे इंशाल्लाह, पूरा गुलाबी और मार्बल सिंह में पूरी वो भी व्हाइट आइज गुलाबी बकरी माशाल्लाह, और भी एकदम टिम टिम बाकी है लो। अब मेरे फार्म का जो किंग मेकर सुल्तान, हाँ उसकी बेटी प्योर हैदराबाद में से 19 इंच कान की जो बकरी बताई ना, हाँ उसके पेट की पट्टी है, इसका सबसे अच्छा कलर मेरे को दुम पे लगा, वाह ये प्योर हैदराबाद है सब, सुल्तान का रिजल्ट है,
सुल्तान और 19 खान की बकरी बड़ी बताई हाँ। उसी की बेटी है और चेहरा फुल कलर में इसका चेहरा देखो खाली आप चेहरा एकदम देखने लायक नीचे रख भेड़ा थोड़ी बहुत चंचल है माशाल्लाह चले ये तो फीमेल्स फीमेल्स हो गए बच्चे सब आपको मैं दिखा दूं आ जाओ अभी इससे भी छोटे बच्चे दिखाते हैं आप जब ये सब ये पांच ही दिन के सब कोई पांच दिन कोई चार दिन सभी पांच ही दिन एक ही दिन सभी आई हुई है एक दिन में सब आ गए माशाल्लाह छह बच्चे तो ये सब मेल है एक साथ मेल ही आए सभी मेल आए हुए इस बार और प्योर वाइट मेल निकाल के बता दो इसमें से भी अब्दुल हद क्वालिटी देखो आप जबरदस्त दोनों भाई माशाल्लाह दोनों भाई है ये क्वालिटी ये नाक पे कलर वगैरह कुछ नहीं सब सब निकल जाएगा चिल्ला रहे तुम आओ एक ये बच्चा निकालो बार माशाल्लाह माशाल्लाह वाह फुल वाइट है सब नर बच्चे हैं दोस्तों हाँ पूरे नर बच्चे हैं ये सब चार पांच दिन ही के ही है ज़्यादा नहीं है देखिए पंचोली तोतापुरी का बच्चा ही है सुभान अल्लाह तोतापुरी के ऐसे खुले काना वाइट आइज में वाइट आइज फुल पंच में हो मैं आप आइए ना बच्चे के साथ एक बार नहीं ये मेहनत है आपकी माशाल्लाह नहीं ये बच्चों को बड़े करने में दोनों बच्चों की मेहनत है वो इनमें का कुछ ही नहीं है मेरे खुद को महीने बाद देखने मिले आज ये बहुत जबरदस्त चेहरा माशाल्लाह अल्लाह नजर बच्चे पर अब आ जाइए पठान को बाहर निकाल दो नजरें हट नहीं रही माशाल्लाह बच्चों पे से बहुत आलीशान बच्चे आए पिछले 8-10 महीने की सब मेहनत है जी साहब बिल्कुल सरेंडर होकर यही काम किया हुआ 10 महीने सही है तो दोस्तों अभी आपको दिखाएंगे और मिलाएंगे पठान से yeah. तो दोस्तों आपको मिलाने जा रहे हैं वरकवाला गोट फार्म के पठान से क्या बात है मोइन भाई बहुत बहुत शानदार माशाल्लाह अभी चार दांत पे हुआ जी साहब ये पंच फेस फुल गुलाबी मार्बल सिंह मतलब जो जो चाहिए आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक में ही इंशाल्लाह हर क्वालिटी अल्लाह के करम से देखो आप गुलाबी है पंच में तो मैं क्या बताऊं तुमको वाह और कलर में भी 95% वाइट है पूरा वो बहुत शानदार मार्बल सिंह ये एंट्री कभी हुई अपने यहाँ 8 महीने होंगे 8 महीने हो गए और शायद अभी तक किसी ने देखा नहीं ना नहीं मैंने भी रिसेंटली इसकी बर्थडे बना है 28 तारीख को हाँ इसकी लेकिन आप आ नहीं पाए थे जी 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 तो हैप्पी बर्थडे है पठान का बिलेटेड बहुत शानदार और जबरदस्त पंच वाइट आइस गुलाबीपन और कलर ना के बराबर सिर्फ पैरों में सब सिर्फ चार पैर में सॉक्स पहना हो सॉक्स पहना हुए है ना आइस पे थोड़ा हैदराबादी कलर है चाहिए थोड़ा तो हमको चाहिए नहीं तो फिर आप ही हमको बोलेगा मोइन भाई तो वाई पैड ले आए हाँ नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होता है मोइन भाई कलर नहीं दिखेगा सेटिस्फेक्शन नहीं होता वो डर के मारे इतना कलर भी अल्लाह ताला हमको रखवा नहीं दिया अल्लाह रख के दिया हमको अल्लाह ताला हम छोड़ेंगे नहीं तुमको पूरे व्हाइट में नहीं देंगे अल्लाह ने बोला वाह 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 अल्लाह ताला बोलते हैं जो ओरिजिनलिटी है तो देंगे ही देंगे साथ में अभी भी एकदम फिट एंड फाइन है इंशाल्लाह अभी भी इसका वेट गेन होगा ना अभी नहीं होगा 8 दांत के बाद अभी तो बच्चा है 4 दांत पे उसको तो अभी हम चालू भी नहीं करेंगे एकदम से ये 8 दांत पे चालू होगा कासिम भाई ऐसा पंच अल्हम्दुलिल्लाह भाई मजा आ जाएगा पर आप लोगों के भाइयों की दुआ से मिला है अपनों को सही है और इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने में और कुछ ऐसा कुछ करेंगे सही है और इससे इसके बच्चे तो अभी एक ही बच्चा है ना इसको अभी चालू भी नहीं करूंगा चालू भी नहीं करेंगे वो भी लग गया था हाँ चलेगा तो अभी इसको नहीं अब आगे चल के इसके रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह हम सो मोइन भाई पूरा सेटअप तो देख लिया हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सॉरी मैं बोलूंगा मैं आ नहीं पाया लेकिन आप लोगों ने जो एसोसिएशन बनाई है गुजरात में इतना बड़ा काम होता है लोग उसकी सराहना करेंगे इंशाल्लाह जो काम आप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह तो क्या है कॉन्सेप्ट थोड़ा लोगों को बता सकते हैं ऐसा लोगों को बहुत टाइम से गुजरात वो ठंडा बैठा हुआ है हाँ
लेकिन वो क्या हुआ था, सब भरा पेट के भरा गए हुए, सब रिलैक्स है, काम कर रहे हैं सही है। तो लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें, मार्केट को थोड़ा बूस्ट देना भी है जी, और सबको बाहर लाना भी है जी। और ऐसा प्रोग्राम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं हम लोग, अब आप लोगों की दुआ चाहिए कि प्रोग्राम सक्सेस हो जाए सही है, कि जो क्वालिटी में हम लोग काम करते थे इंशाल्लाह, हमारे बाद बहुत लोगों ने क्वालिटी में काम किया है जी। लेकिन उनको मार्केट में लाने के लिए थोड़ा बूस्ट चाहिए, उनको बूस्ट भी देना जरूरी है सही है। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रोग्राम हम छोटा मोटा करेंगे एक आध दो महीने में, और अल्लाह से दुआ, आप लोगों से सबसे गुजारिश दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करो हमारा प्रोग्राम कामयाब हो, आमीन। तो उसके जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कब है, क्या प्रोसीजर है, आना कैसे है, गुजरात वाले अपने बकरे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ये सारी चीज़ हम लोग अगले हफ्ते में उसका अलग वीडियो बना के डालेंगे। गुजरात वाले बकरे ला सकते हैं इंशाल्लाह, हर हर हमको जो फर्स्ट कम फर्स्ट शो होगा, किसी को प्रायोरिटी नहीं होगी उसके अंदर जी। और एक आदमी दो जानवर से ज़्यादा नहीं ला सकता, मैनेज करना भी एक बड़ा टास्क, मैक्सिमम और दो मिनिमम एक है जी। उसके अंदर सेक्शन वाइज भी हमने काम किया हुआ है, और सेक्शन वाइज के अंदर आपको हाईपेड लाना हो, हैदराबादी लाना हो, या पतीरा लाना हो, वैलिड है, क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करेंगे, हमें डिसाइड करेंगे हम लोग सब मिलकर, कमेटी है बेसिकली, कमेटी पूरी बेसिकली डिसाइड करेगी, और फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे सर्व होगा, और हम इतने सभी जानवर नहीं करेंगे जमा के लोग उससे थोड़े बोर हो जाए, चलेगा। तो मैं एक्चुअली वेट करेंगे हम लोग भी इंशाल्लाह, मैं आपको डेट का 7-8 दिन में डेट दे दूंगा मैं आपको, ये उत्तराखंड की वजह से सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं सही है। तो अभी हम 2-4 दिन में मिलकर जो डेट बनती है मैं आपको डेट दे देता हूँ, और इंशाल्लाह हो सकता है फरवरी में ही होगा, चलेगा। तो लोग प्लीज़ वेट कीजिए, और मुझे आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपको कुछ ज़्यादा सेलिंग को है नहीं, पर अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सब देखिए मैं एक बार बताऊँ, मैं अभी वीडियो पर धंधा बिल्कुल मैंने नील जैसा कर दिया जी, क्योंकि लोगों को वीडियो में और लाइव में बहुत फ़र्क लगता है, और सही में बहुत फ़र्क है वीडियो और लाइव में, सही है। और जब धंधा करना ही है, जैसे मैं खुद भी अब वीडियो में नहीं करता धंधा जी, लाइव में क्या होता है पूरा सेटिस्फेक्शन से अपने काम कर सकते हैं बराबर, लाइव में जानवर क्या साइज है, क्या है क्या नहीं। अब कई लोगों के लिए दूसरे अच्छे लोग भी बार बार बदनाम हो जाते हैं, जूम जूम करके वीडियो बनाते हैं सही है। अब मैं इंदौर चला गया कि बेंगलोर से मंगाओ, कि हैदराबाद से मंगाओ, कि कोई हैदराबाद वाला अहमदाबाद से मंगाए, लेकिन जूम करे ली वीडियो को एक बार देख के आदमी जानवर खरीद लेता है, लेकिन बाद में जब वहाँ पर आता है दिल दुखता है सही है, और रिलेशन खराब होते हैं। तो देखना है तो देख के लो, अभी मैंने 90% अपना बिजनेस लाइव ही कर दिया है, लाइव में जो आता है इंशाल्लाह लगता है इसको देने दे भी देते अपने, ऐसा भी नहीं देते, लेकिन मैं वीडियो पर कुछ धंधा करता नहीं सही है, क्योंकि वीडियो पर हमने कई बार देखा भी टाइम पास के लिए भी बहुत जने आते हैं, क्रॉस इंक्वायरी भी यूजलेस करते रहते, जो हमारे कोई काम की नहीं होती सही है। अब हमको एक बार आपको जानवर चाहिए सीधे से कम्युनिकेट करो, आपको भी चाहिए फिर दूसरे तीन से फोन करवा दो हमारे पास जी, जबकि रेट भी ओपन है, अब तो ऐसा भी नहीं है कि रेट दबे हुए जी, हर चीज़ के रेट ओपन है सही है। इसलिए लाइफ में धंधा में किए कि सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और धंधे में ट्रांसपेरेंसी रहती है, बकरी बंद है चालू है घाबड़ है नहीं है कोई डिस्प्यूट रहता नहीं है उसमें। चले एक बार आपका नंबर अगर बता दें, मेरा नंबर 9904041987 ठीक है, और आपका खुद का जो इंस्टाग्राम आईडी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक नायाब जानवर देखने मिलते हैं, वो है वरक वाला गोट फार्म के नाम, वरक वाला गोट फार्म से, वरक वाला डब्ल्यू से लिखना, वी से मत लिखना ठीक है, और आप लोग उसको प्लीज जाके फॉलो कर लें ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।